परिचय भी। जी मैं अनुराग सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी हूँ एयर एम गाजीपुर से। और अभी हम लोग वन महोत्सव के अंतर्गत जो है आसपास के एरिया में सभी जगह पर जाकर जागरूकता कार्यक्रम के तहत पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इसमें अपना सहयोग दें, क्योंकि वन विभाग द्वारा लगाए गए पेड़ उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब सभी लोग साथ आएँ और उनको जो है अपने पेड़ जो है पूजनीय है। जैसे भगवान को पूजा जाता है वैसे पेड़ को भी पूजा जाता है, तो इसमें कोशिश यही है कि सबको इसमें साथ में भागीदारी लेके और इस काम को जो है सक्सेसफुल बनाया जाए। तो आपने यहाँ वृक्ष कहाँ लगाया है? जी अभी यहाँ पे हमारी एक साइट है धामोपुर प्लांटेशन साइट है, 5 हेक्टेयर की है, तो वहाँ पे हमने वृक्षारोपण कराया। सभी हमारे माननीय अतिथिगण सभी साथ में थे जी, और ग्राम प्रधान धामोपुर जी और श्रवण जी और सर जो हैं और डॉक्टर साहब सभी लोग साथ में थे, और हम लोगों ने जो है अब धामोपुर की प्लांटेशन साइट पे जो है पौधा लगा के और इस कार्यक्रम की शुरुआत की। और साथ ही साथ अभी हम यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद जी की स्मारक पे हैं और यहाँ पे हमने महोगनी के पेड़ लगवा के और इनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी आगे हम एक और जगह यहाँ पास में हॉस्पिटल है वहाँ पे पेड़ लगवाएंगे और इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब आपका परिचय? आपका मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा। तो भाई साहब ये वन अधिकारी महोदय लोग आए हैं, तो क्या ये प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में कुछ? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृक्षों का काफी महत्व है, आने वाले 10 से 15 दिन पहले इतना भीषण गर्मी पड़ रही थी और उस समय हम सभी जो वरिष्ठ लोग हैं सभी कहा करते थे कि अगर वृक्ष की रक्षा न की जाएगी, वृक्षों को लगाया नहीं जाएगा, आने वाले समय में यूं ही शरीर गल जाएगी, इतना ज़्यादा तापमान रहा। अपने पड़ोसी जिला बलिया में जैसा कि हम लोगों ने देखा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहा कि 74-75 की संख्या में लोग एक एक दिन में मृत्यु हो जाती थी। मैंने कहने का आशा यह है कि लोग कहते हैं कि वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, और वृक्षों पर ही मानव जीवन निर्भर है। ये प्रदूषित हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं और मानव जीवन में ये एक लाभकारी हैं, हितकारी हैं। इनके बिना मानव जीवन की कल्पना करना बहुत दुर्लभ है, यानी संभव ही नहीं है। इसके निमित्त ये अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निर्देश में ये वन महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि अपने स्थानीय वन से संबंधित अधिकारीगण इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं, और अच्छा तब लगा और कि इस क्षेत्र के लोगों को सूचित किए और हम सभी के उपस्थिति में, जैसे मेरे महामंत्री हैं डॉक्टर विजय तिवारी जी हैं, चंद्र राजभर जी हैं, जिले के पूर्व मंत्री राजेश सोनकर जी हैं, युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्रवण जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, रविंद्र गौड़ जी हैं, ऐसे संभ्रांत यहाँ के ग्राम प्रधान धामोपुर में कार्यक्रम चला है और लगभग 5 एकड़ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ, उसमें यहाँ के ग्राम प्रधान सिकानू राम जी थे, ऐसे क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग थे और उनके उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण पौधों का वृक्षारोपण किया गया है जो सराहनीय रहा। और ऐसे अभी अबीर अब्दुल हमीद जी के पार्क में हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ हुआ है, अभी उनके नाम से चल रहा हॉस्पिटल वहाँ भी करना है, और ये जागरूकता अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, और यही कार्यक्रम है और बहुत अच्छा लगा। जैसा कि मुझे जानकारी है कि आज तक तमाम वृक्ष यहाँ इस पार्क पे लगे हैं, मगर वृक्ष के संरक्षण के लिए जो वर्तमान में वन से वन अधिकारी महोदय लोग आए हैं, कुछ आश्वासन वगैरह कुछ दिए हैं आपको? हाँ, इसकी सुरक्षा को लेकर या अब्दुल हमीद के स्मारक का भौतिक सत्यापन किया और उन्होंने माना कि यहाँ जो मिट्टी है कहीं ना कहीं वृक्ष के अनुरूप नहीं है, तो उसको कैसे शुद्ध किया जा सकता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है, उसके निमित्त जिप्सम और भी जो भी आवश्यक है वो गोबर की खाद वगैरह अपने स्तर से जो भी संभव हो सकता है इसको उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये पार्क जो है हरा भरा रहेगा, वृक्ष की पत्तियां हरे भरे रहेंगे और काफी अच्छा लगेगा, अलौकिक लगेगा। धन्यवाद।